सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में ना बात करने वाले कि फायर स्नैप अकाउंट कैसे खोल सकते हो। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे फर्स्ट जो लिंक मिलेगा वो आपको फायर स्नैप अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। याद रहे, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी लिंक से आपको खोलना है फायर स्नैप अकाउंट। तो जैसे उस पर आप क्लिक करोगे, ये फायर्स के होम वेबसाइट पर ये लेकर के चला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, फ्री है एक्सेस है सारा कुछ के लिए। और जो ब्रोकरेज नॉर्मल सब में लगता है वही ब्रोकरेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल करके और ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले आप एक बार ईमेल आईडी अपना डाल लेना, उसके बाद नीचे में उसका मोबाइल नंबर डाल करके आप यहाँ पे साइन अप पे ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर लेना। सो गाइस, मैं फायर आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे 30 डे चैलेंज में ब्रोकरेज रिफंड भी हो जाएगा। और बहुत इजी है फायर्स, बहुत अच्छा है यूज़ करने में। तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन अप करोगे, आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो आपको उस ओटीपी पे जाकर के आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे फ़ोन पे मैं वेट कर रहा हूँ मेरे फ़ोन पे ओटीपी का। सो गाइज, मैंने यहाँ पे ओटीपी अपना डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में देखोगे तो ये एक वेरीफाइंग करके आएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफिकेशन के बाद आपको नीचे में क्या होगा, आपको सारा डिटेल यहाँ पे देखना है। तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। यहाँ पे आप उस पर जा करके डाल सकते हो, पैन कार्ड का इमेज भी डाल सकते हो, आधार कार्ड भी डाल सकते हो। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे आप अपना फोटो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं डिजी लॉकर से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पैन कार्ड है और सारा कुछ है वो डिजी लॉकर से कनेक्टेड है। तो वहाँ पर मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो उसके बाद एक नया विंडो खोल लेगा। फ़ोन में भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो देखोगे तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला आई प्रोवाइड माई कंसेंट टू शेयर माई आधार नंबर पे क्लिक करके ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट आधार करना है। ये डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आधार नंबर डाल करके इसको वेरीफाई करना है। देन इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको यहाँ पे डालना है डिजी लॉकर का, अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू कर रहे हो तो। या फिर सिंपली आप जा करके डायरेक्टली फोटो भी अपलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस लग रहा है। आप सिंपली फोटो भी डाल सकते हो, याद रहे आप फोटो डाल के भी इजिली कर सकते हो। देन इसके बाद ये थोड़ा यहाँ पे टाइम लगाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखो तो चेकिंग इशू सारा कुछ करके ये यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। गाइज, अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो लुक लुक पैन इज़ नॉट सेलेक्टेड। तो मैंने पैन को एक्चुअली सेलेक्ट नहीं किया था, तो मुझे वापस से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं उसको फेच के आर ए करता हूँ इसको। देन यहाँ पे आपको सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको पैन का डिटेल दिख जाएगा, अगर आप लोगों ने डिजी लॉकर से कर रखा होगा तो। ऊपर में फिर यहाँ पे मदर्स नेम डाल करके देख लेना। यहाँ पे फिर उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल भरना है। जैसे मैंने बैंक अकाउंट डिटेल भर दिया, उसके बाद नीचे में अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपको क्या क्या अकाउंट चाहिए। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए, करेंसी डेरिवेटिव्स भी नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, और उसके बाद कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इन तीनों को अनसेलेक्ट करता हूँ, लेकिन आपको जो जो चाहिए आप रख सकते हो। अगर ऑप्शन में करते हो तो इक्विटी डेरिवेटिव्स पे रखना, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये आपको एक नया ले जाएगा। यहाँ पे आपको जाकर के अपना ऑक्यूपेंसी डालना है, उसके बाद जितना भी आपका अकाउंट का मतलब अर्निंग, एनुअल अर्निंग, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको सारा डिटेल यहाँ पे भरना है। ये याद रहे आप देख लेना आपस में, मतलब खुद से देख करके भरना सारा चीज़ को, बहुत ईजी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन यहाँ पे आपको सारा डिटेल नीचे मिल जाएगा। हाउ डू यू विश टू रिसीव कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, देखो अगर आप फिजिकली चाहते हो तो फिर आपको 200 रुपये लगेगा, लेकिन आप डिजिटली पे क्लिक कर देना। देन आई कंफर्म पे कर करके नीचे जाकर के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ये वापस से नीचे स्क्रॉल करने को बोलेगा, और यहाँ पे देखो तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट में डालना नहीं है, आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको फिर यहाँ पे नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन, देखो अगर आपको यहाँ पे डालना है नॉमिनेट किसी को करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन आएगा, लाइव वीडियो वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप देखना, यहाँ पे लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग डालना जिसपे आपको अपना नाम बोलना है और आपके फादर्स नेम को बोलना है। 10 सेकेंड का ये वीडियो चलेगा। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ पे जो लाइव वीडियो वाला वेरिफिकेशन है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसको मैं कर लिया। उसके बाद आपको नीचे उसके बाद भी जाना, देखो उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आएगा फीडबैक का। यहाँ पे फीडबैक पे आप नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो। नो करके ओके करके प्रोसीड कर देना। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपको एक आपके ईमेल पे आपको जाकर के एक मिल जाएगा ईमेल, वहाँ से आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद वापस यहाँ पे साइन नाउ पे क्लिक करना है। साइन नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको NSDL से वापस से रिडायरेक्ट करेगा। आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो जैसे ही आप OTP पे सेंड पे करोगे आपको एक OTP रिसीव होगा। आपको OTP यहाँ पे डालना है वापस से।
ओटीपी डालने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, उसके बाद ये आपका हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे टाइम लगेगा, 24 घंटे का टाइम लगेगा मिनिमम, आपके ईमेल आईडी पे सारा कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा आपको अकाउंट का आईडी सारा कुछ मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन आपका रिव्यू पे गया है, ठीक है। तो इतना सिंपल था गाइज, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।